म्यूटेच नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड की पहचान करता है, और जो नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड है उसमें पीछे की तरफ, जैसे ये तो मिथाइलेटेड हो गया, ये हमारा नॉन मिथाइलेटेड है, इस तरह से ये भी पीछे की तरफ होगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये म्यूटेच नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड में एक सीक्वेंस जी टी ए सी को रिकॉग्नाइज करता है और इसी जगह पर ही आके जुड़ेगा। एक और है यूवीआरडी, यूवीआरडी ये एक हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज का काम होता है दोनों श्रृंखलाओं के बीच के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना। तो देखिए ये काम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं ज़्यादा कठिन। जैसे मान लो यहाँ पर है ये ए और इस जगह पर जुड़ गया ये सी, तो सबसे पहला काम किसका है, म्यूट एस रिकॉग्नाइज डैमेज। तो सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ आके जुड़ेगा म्यूट एस, दिस इज द म्यूट एस। उसके बाद बताया भाई म्यूट एल, सॉरी हाँ म्यूट एल, ये म्यूट एल जो है वो इसके पास आके जुड़ेगा म्यूट एल। जब एक बार म्यूट एस और म्यूट एल जुड़ जाते हैं तो म्यूट एच आता है, और म्यूट एच जो है वो इसकी पहचान करता है जी टी ए सी, दिस इज द म्यूट एच। जब म्यूट एच और म्यूट एल ये दोनों इस जगह पर जुड़ जाते हैं तो अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं इस तरह से, ऐसे। तो ये जो आकर्षित होते हैं तो फिर देखो कैसे होते हैं, जैसे ये जी टी ए सी है, यहाँ से चलते हैं, ये जी टी ए सी है, तो ये इस प्रकार से नज़दीक आते हैं ऐसे। ऐसे आते हैं, यहाँ पर है ये म्यूट एल, दिस इज द एल, दिस इज एच। तो देखो जब एल और एच दोनों पास पास आए हैं इस तरह से, ये एच, तो यहाँ पर ये लूप बन गया, तो ये दोनों क्या हो गए, पास पास आ गए, म्यूट एच और म्यूट एल दोनों पास पास आ गए। अब म्यूट एच जो है वो एक निक बनाता है, म्यूट एच एक निक बनाता है उस जगह पर जहां, जैसे ये ए है और ये हो गया सी, जिस जगह पर डैमेज होता है वहां पर एक निक बनाता है इस तरह से। इसने निक बना दिया है यहां, तो जब निक बन जाती है, दिस इज द निक, निक मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब किसी एक श्रृंखला के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो उससे हम कहते हैं निक, एन आई सी के। तो ये यहाँ आ जाता है। तो अब ये जो भाग है ये वाला, अब इसके ऊपर यू वी आर डी आएगा जो एक हेलिकेज है। तो यू वी आर डी क्या करता है, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है इस तरह से, तो ये यहाँ से इनको तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये अलग हो जाता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से ये अलग हो जाता है ऐसे, और जो हमारे पास जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये है, येलो वाला पूरा बचा रहेगा इस तरह से देखो, और रेड वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक का बचा रहेगा, ये वाला यहाँ पर ए है ये यहाँ। अब ये जो हिस्सा यानी कि ये जो पार्ट है डीएनए का, ये हमको सही करना है। तो अब इस जगह पर वही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट
डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है, जो जैसे मान लो ये 5' to 3' था, यहाँ पर देखा ये भाई 5' to 3' था, तो यहाँ पर आके जुड़ेगा वो, और यहाँ पर आके जुड़कर इस डीएनए की जो श्रृंखला है इसको कंप्लीट करता है। अब कंप्लीट करता है तो ये यहाँ तक पहुँच जाता है। अब इस जगह पर कौन आएगा, दूसरा एंजाइम जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इस जगह पर आकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण कर देता है, और इस प्रकार से जो डीएनए है वो रिपेयर हो जाता है। तो ये थी मैकेनिज्म एमएमआर, मिसमैच रिपेयरिंग। ठीक है, मिसमैच रिपेयरिंग में बस यही ध्यान रखना है कि म्यूट एस और म्यूट एल दोनों एक साथ जुड़ेंगे, म्यूट एच जी टी ए सी श्रृंखला पर जुड़ेगा, और जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं या एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं तो फिर ये लूप के रूप में निकल जाता है, और एच जो है वो निक बना देता है। तो अब यू वी आर डी एक हेलिकेज है, तो जहाँ पर उसने निक बनाया है वहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, तो ये पूरी श्रृंखला जो है वो अलग हो जाती है, श्रृंखला अलग हो जाएगी। तो जो अपना रिपेयरिंग का जो हिस्सा है वो ये है, ये वाला हिस्सा रिपेयरिंग का है। तो यहाँ पर अब वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 3'OS समूह का उपयोग करते हुए नई श्रृंखला बना देता है, और लास्ट में जो डीएनए लाइगेज है वो इस जगह पर यानी कि यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण कर देता है। तो ये था डीएनए रिपेयरिंग एंड डैमेज। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, हम डीएनए डैमेज एंड रिपेयर में फोटो रिएक्टिवेशन, एसओएस रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर, बेस ऑक्सीजन रिपेयर पढ़ चुके हैं। आज हम मिसमैच रिपेयर पढ़ने वाले हैं। मिसमैच रिपेयर, इसको हम शॉर्ट में एमएमआर भी कहते हैं। इस मिसमैच रिपेयर में बेसिकली हम बात करते हैं कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस दौरान कोई भी बेस अगर गलत जुड़ जाता है, मिसमैच हो जाता है, मतलब ए से टी जुड़ना है या ए से सी जुड़ जाए, जी से सी जुड़ना है या जी से टी जुड़ जाए, या उल्टा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मिसमैच, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका मिसमैचिंग हो गई है। तो मिसमैच रिपेयर में हम जानते हैं कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए की एकदम एक्यूरेट कॉपी ही बनती है। अगर इसमें एक भी न्यूक्लियोटाइड की गड़बड़ होती है तो वही न्यूक्लियोटाइड हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम जितने भी रिपेयर की मैकेनिज्म पढ़े हैं उन सभी मैकेनिज्म में हमने देखा है कि रिपेयर जरूरी होता है, डीएनए का रिपेयर बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डीएनए का रिपेयर नहीं होगा तो जो डीएनए अगली सेल के लिए जाएगा, जैसे सेल डिवीजन हो जाता है, तो सेल डिवीजन होने के बाद जिस भी सेल के अंदर वो अनरिपेयर डीएनए जाएगा, डैमेज डीएनए जाएगा, तो वो डैमेज डीएनए फिर सेल के अंदर नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो सेल अनकंट्रोल हो जाती है, वो डिवाइड भी अनकंट्रोल तरीके से होती है, और एक तरह से वो कैंसर सेल, ट्यूमर सेल का रूप ले लेती है। बार बार मैंने यही बात बताई है। इसका मतलब है कि डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान जो मिसमैचिंग हो जाती है उस मिसमैचिंग को बहुत जरूरी तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, एक हमारा ये स्ट्रैंड है और दूसरा हमारा ये स्ट्रैंड है, दोनों ही ये इधर 5' to 3' है और इधर ये 3' है, इसका ये 5'।
अब जब रेप्लिकेशन हो जाता है या रेप्लिकेशन हो रहा है, तो जैसे मान लो रेप्लिकेशन हो रहा है, ये रेप्लिकेशन हो रहा है, समझो ये इधर से हो रहा है, ये इधर से नई श्रृंखला बनती हुई आई, तो इसमें देखो हम जानते हैं भाई ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये डॉटर स्ट्रैंड है। ऐसे ही इन दोनों में अगर हम देखें तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, ये डॉटर स्ट्रैंड होगा। भाई रेप्लिकेशन के बाद एक श्रृंखला पर दूसरी श्रृंखला बनती है, तो जिस श्रृंखला पर बनती है वो पेरेंट हो जाती है और जो बनती है वो डॉटर हो जाती है। तो एक पेरेंटल है और एक डॉटर स्ट्रैंड है। अब ऐसा तो कभी नहीं होता कि भाई एक रेप्लिकेशन चल रहा है और यहां से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया और फिर यही खुलने लग जाए और इस पर और डीएनए का निर्माण हो जाए, फिर ये भी खुलने लग जाए और डीएनए बन जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो पेरेंटल डीएनए है उस पेरेंटल डीएनए का तुरंत ही मिथाइलेशन हो जाता है, यानी कि जगह जगह पर इसमें CH3 समूह जुड़ जाते हैं। तो जो मिथाइलेशन है इसकी वजह से एंजाइम इस पर जुड़ नहीं पाते हैं और इसका रेप्लिकेशन आगे यानी कि दोबारा से नहीं हो पाता है। दोबारा से फिर तभी होगा जब सेल का डिवीजन होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें देखो हमको पता है भाई एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक डॉटर स्ट्रैंड है, तो हम पहचान जाएंगे भाई कौन सी पेरेंटल है। जिस पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, जिस पर नहीं जुड़ा है वो डॉटर स्ट्रैंड है। पेरेंटल जो स्ट्रैंड है उस पर CH3 समूह पहले जुड़ेगा क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट है। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये तो एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई गड़बड़ थोड़ी है। गड़बड़ तो हम मान रहे हैं डॉटर के अंदर है, तो पेरेंटल स्ट्रैंड को तो हमें सेफ रखना है क्योंकि हम जानते हैं कि पेरेंटल स्ट्रैंड से इसका निर्माण हुआ है। तो पेरेंटल स्ट्रैंड एकदम सेफ थी, पहले से ही सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए उसको तो हमें सेफ करना है। तो हमने CH3 समूह उसमें जोड़ दिया। अब बची हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड, और डॉटर स्ट्रैंड में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है भाई। डॉटर स्ट्रैंड में कहीं ना कहीं एक श्रृंखला और बना लेते हैं, जो इससे आपको और पता लग जाएगा ये एक श्रृंखला और बन गई भाई। ये इस तरह से दिस इज द, ये 5' थी तो ये 3' और इधर ये 5', ये 5' और ये 3'। देखो ये श्रृंखला ये दोनों एक जैसी है, 5' to 3', 3' to 5'। तो इसके ऊपर तो बनी ये और इसके ऊपर बनी ये, तो इसके लिए ये दोनों जो येलो से मैंने लिखी है ये दोनों पेरेंटल है, ये ही पेरेंटल है, और नीचे वाली जो है वो दोनों डॉटर है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी CH3 जुड़ जाएगा जगह जगह पर, यानी कि जहां भी जुड़ना होता है वहां पर CH3 समूह जुड़ जाता है। अब इससे हमको पता लग रहा है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसका फर्दर रेप्लिकेशन तभी होगा जब डीएनए का सेल डिवीजन होगा। अब होता यह है कि किसी भी कारण से डीएनए का रेप्लिकेशन तब होता है जब, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो इसमें कोई ना कोई एक न्यूक्लियोटाइड या दो न्यूक्लियोटाइड या कोई न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला गलत जुड़ जाए। जैसे सपोज दैट कि यहां पर जो अपनी पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें ए है, लेकिन जो डॉटर स्ट्रैंड बना है उसमें ये सी हो जाए, तो दिस इज द लेजन एंड दिस इज डैमेज। और ये डैमेज कौन सा है? ये डैमेज है मिसमैच, MM। तो इसके लिए हम मिसमैच रिपेयर काम में लेते हैं। समझे भाई, पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें तो ए है, पेरेंटल स्ट्रैंड पर हम कोई शक नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से है, हम शक करेंगे तो इस पर। और हमको पता है भाई ए एडेनिन से सी नहीं टी जुड़ता है, लेकिन यहां पर जुड़ गया है सी, तो इसका मतलब है कि ये मिसमैच हो चुका है। जब ये मिसमैच हो गया तो हमको इसको कहते हैं डैमेज, MM मिसमैच। तो ये डैमेज यहां से हटेगा और हटने के बाद इसकी जगह पर सही न्यूक्लियोटाइड आएगा, तब हम इसको रिपेयर। और फिर जब ये डॉटर स्ट्रैंड जो है एक बार इसकी करेक्शन हो जाए यानी कि ये रिपेयरिंग हो जाए, तो उसके बाद डॉटर स्ट्रैंड भी मिथाइलेटेड हो जाती है, फिर दोनों सही है। फिर तो फिर अगली बार जब भी सेल डिवीजन होगा
तो दोनों श्रृंखलाओं के ऊपर दो नई नई श्रृंखला बनेंगी, अर्थात दोनों ही पेरेंटल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मिस मैच रिपेयर कि मिस मैच रिपेयरिंग कैसे होती है। नाउ देखो इसमें कुछ वही उनकी तरह श्रृंखला होती है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें नंबर एक पर है म्यूट एस ये रिकॉग्नाइज करता है या आइडेंटिफाइज करता है रिकॉग्नाइज डैमेज, इनकी डीएनए डैमेज को पहचानता है म्यूट एस। म्यूट एल जो है वो इनके लिए जरूरी है, यानी कि म्यूट एस और म्यूट एल दोनों का एक ही काम है, लेकिन सबसे पहले म्यूट एस, उसके बाद म्यूट एल आता है, और उसके बाद है म्यूट एच। म्यूट एच तो म्यूट एच जो है वो नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करता है, नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करता है।